Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE non-tech test series, जिसमें आपको maths plus aptitude के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. Hello everyone. तो आज हम पढ़ेंगे differential equations के बारे में. तो ये हमारा chapter number 2 होगा. इससे पहले हमने linear algebra deal किया और linear algebra में हमने पूरा basic से rank, determinant, adjoint, inverse, transpose से लेके solution of linear systems, जिसमें से homogeneous, non-homogeneous और फिर सारे eigen values, eigen vectors और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये सारे चीज़ें हमने वहाँ पे अच्छे से बात की. अब आपका टास्क ये है कि जितना भी नोट्स आपने जो बनाया होगा, पहला तो जितना जो वीडियो लेक्चर्स आपने देखा उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे आप, और उस नोट्स को अभी इस चैप्टर के शुरुआत होने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे. उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स जो हमने क्लास में किए थे उसको आप सॉल्व करेंगे, और साइड बाय साइड आप टेस्ट सीरीज भी देते जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करते जाएंगे, तभी आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा. फिर जब वो सारा काम हो जाए तब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशंस में. ठीक है, लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि पहले मैं पूरा मैथ्स निपटा लूं उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करूंगा, उससे काफी लेट हो जाएगा और आप डेफिनेटली लास्ट में सारा चीजें नहीं कर पाएंगे. तो आप जो चैप्टर होते जा रहा है, इवन जो टॉपिक होते जा रहा है, उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते जाएंगे. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशंस देखिए, जैसा कि नाम है, यहां पर अगर मैं इसको लिखूं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले ही देख के समझ में आ जा रहा है कि बात किसकी हो रही है, डिफरेंशिएशन की. ठीक है, डिफरेंशिएशन का बात हो रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में. अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसी भी फंक्शन का. ठीक है, किसी भी फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब फंक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं दो टाइप के, राइट? तो दो टाइप के फंक्शन क्या क्या होंगे, अगर मैं फंक्शन का नाम लिखूं तो एक ऐसा फंक्शन जैसे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, जो हम 11 12 से देखते आ रहे हैं, और दूसरा फंक्शन अगर मैं लिखूं तो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट? तो दो फंक्शन मैंने बोले, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि x यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहां पे x क्या है, x है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैसे ही यहां पे x और y दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? और यहां पे ये जो y है, y क्या है, y आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल. वैसे ही यहां पे z आपका क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? तो देखने से ये पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा क्या, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शंस का करेंगे. फंक्शंस कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के. कैसे दो, एक जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, एक, यहां पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है x, दूसरा फंक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा, यहां से दो से ज्यादा भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए तो दूसरा फंक्शन हो गया ये. अगर मैं इसको ग्राफिकली डिनोट करूं तो ये हमारा 2dx इसको दिखा रहा है. ठीक है, ये देखिए x y, तो ये क्या है, 2d डायमेंशनल. ठीक है, ये 2 डायमेंशन,
और ये फंक्शन जो है हमारा, ये हमारा 3D डायमेंशन को दिखा रहा है। राइट तो ये 3D हो गया। ठीक है, तो अब जैसे दो फंक्शंस हैं वैसे ही दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा और उसी के बेस पे हम दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। फर्स्ट जो ये इसको कंसीडर करता हूं अगर मैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है और जिसमें दूसरा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है। तो अगर मैं लिखूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा उसको मैं कहूंगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक बार एक्स के साथ डिफरेंशिएशन, दूसरा y के साथ डिफरेंशिएशन, मतलब कि क्या यहां पे पार्ट्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है। और जैसे कि यहां पे पार्ट्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका नाम भी वैसे ही होगा, इसको मैं बोलूंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये और ये क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हमें समझ में आ गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। फंक्शन होंगे दो टाइप के, एक फंक्शन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा फंक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अब जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस एक इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। और अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके उनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पे इन्हीं के नीचे अपना एक एक डेफिनेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नीचे डेफिनेशन लिखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव, जो क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है, इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ ओनली वन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपका रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप समझ गए होंगे कि हमें डील करना है दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिसमें हमारे सिलेबस के हिसाब से ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एज कंपेयर्ड टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये 3 स्टार है तो मैं इसे एक 1 स्टार ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाऊं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर दिखते कैसे हैं, तो इसमें देखिए एक फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, उसका कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, मुझे एक ही डिफरेंशिएशन दिख रहा है और जिसमें ये क्या है, ये है मेरा एक ही वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो और वैसे ही यहां पे भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो पूरी जगह मुझे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है। तो मैं
इन दोनों को क्या बोलूंगा, ये दोनों मेरे हो जाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट, यहां पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पे साइन अलग है, यहां पे डेल करके हम डिनोट करें, ठीक है, क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है बाय पार्ट्स. तो पहले मैं z किसका फंक्शन था, x और y का, तो एक बार x के साथ डिफरेंशिएशन किया, दूसरी बार y के साथ डिफरेंशिएशन किया, तो यहां पे डिफरेंशिएशन का साइन भी अलग है. और वैसे ही यहां पे भी डेल स्क्वायर z बाय डेल स्क्वायर डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर. तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि दो से ज्यादा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो यहां पे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो हमारा बनेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. तो यहां पे हमने एग्जांपल्स भी देख लिए. अब क्या करना है हमें, देखिए हमारे पास फंक्शन था जिसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा. मतलब कि अगर मैं लिखूं यहां पे कि ये हो गया मेरा फंक्शन, अब मैं क्या किया यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन किया, और मेरे पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है. और इस वाले पार्ट को कि फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले पार्ट को हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये वाला पार्ट हमारा रहेगा फॉर्मेशन का, ठीक है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं. नेक्स्ट थिंग, वैसे ही अगर मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको अगर मैं फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, जिसको कैसे करेंगे हम विद, जैसे यहां पे फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करें, डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन, ठीक है. तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो मुझे वापस फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है. तो पहली बात ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम दो चीजों से डील करेंगे, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. और जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डील करेंगे तब उसमें हम और भी दो चीजें देखेंगे कि पहला फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है, और फिर दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस फंक्शन में आना सीखेंगे, राइट. तो यहां पे फॉर्मेशन वाला पार्ट और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इवन 95% अगर मैं बोलूं, यहां पे 5 स्टार सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गेट में आने की मैक्सिमम चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. तो अगर ये 5 स्टार है तो ये ओनली 1 स्टार होगा, राइट. तो आपको पूरा फोकस करना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि यहीं पे अगर 30 या 50 क्वेश्चन अगर मैं लूं प्रीवियस ईयर के, तो यहां पे ऑलमोस्ट 40-45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वहीं पे 5 क्वेश्चन ही सिर्फ फॉर्मेशन के मिलेंगे. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो यहां पे हम सीखे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. तो यहां पे आपका बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब हम थोड़ा सा इन डीप बातें करना स्टार्ट करते हैं. Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. To milte hain ab next video mein, tab tak have a good day. See ya.